बरेली ऑल इंडिया आशा बहु सेवा संघ की जिलाध्यक्ष राम श्री गंगवार के नेतृत्व में आशाओं ने सीएमओ को दिया ज्ञापन। ऑल इंडिया आशा बहु सेवा संघ की जिला अध्यक्ष राम श्री गंगवार ने बताया, ब्लॉक फतेहगंज पश्चिमी में आशा एवं आशा संगिनी का पिछले वर्ष 2021 एवं 2022 का पेमेंट नहीं मिला है। ऐसा क्यों नहीं मिला इसके बारे में जानकारी मांगी और सभी आशाएं एवं आशा संगिनी बहुत परेशानी में भी जी जान से काम में लगी हुई हैं। बहेड़ी ब्लॉक में आशाओं का कोविड का पैसा 12,000 रुपए आया है। कोविड-19 का पैसा अभी तक नहीं मिला, इसको लेकर आशाओं ने सीएमओ ऑफिस में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। उसके बाद जिला अध्यक्ष रामश्री गंगवार उनके साथ में आई। आशाओं ने शिववती साहू को जिला अध्यक्ष बनने का विरोध किया, कहा बिना चुनाव के आशा शिववती साहू फर्जी जिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। सभी ब्लॉकों से पैसा दिलवाने का आश्वासन देकर प्रत्येक आशाओं को गुमराह कर रही हैं। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जिला अध्यक्ष रामश्री गंगवार रहेंगी। ज्ञापन देने वालों में आशा बिमला गंगवार, संतोष चंद्रप्रभा, सावित्री देवी, नीरज सीता, ऊषा गंगवार आशा संगिनी, अनीता आशा संगिनी, शशिबाला सोमवती, राजबाला सोमवती, गुड़िया रानी आदि आशाएं और आशा संगिनी मौजूद रहीं। ऊषा गंगवार है और मैं फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक से हूँ और आशा संगिनी पद पे कार्य कर रही हूँ। हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी आशा बहने और मैं संगिनी और सभी संगिनी बहने जी जान से मेहनत से मतलब सरकार का कार्य सफल कर रही हैं, और लेकिन उनके मानदेय के नाम पे, हम लोगों के मानदेय के नाम पे कोई पैसा नहीं है। सन 2020 तक का 750 वाला जो रुपया अभी कुछ संगनी बहनों आशा बहनों का नहीं पड़ा है। वो तो उम्मीद है पड़े, शायद पड़ जाए, लेकिन ये 21 और 22 तक का पैसा कोई पैसा नहीं पड़ा है। इससे हमारे कार्य में, हम संगनी हम आशाओं से कार्य कराते हैं तो हमारी आशा बहनें बेचारी परेशान होती हैं और हमें शर्म आती है कि हम इनके पैसा मिल नहीं रहा है और इनसे हम कैसे कार्य कराएं। हमारे कार्य में बाधा आती है, हम 100% इनसे कैसे काम करा पाएं और हमारी काम की क्वालिटी भी गिरती है। अगर इनका पेमेंट नहीं होगा तब ये जो है कैसे मतलब जो कार्य कर पाएंगी। 5 महीने से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का भुगतान अभी तक इनका मंथली मानदेय जो हम लोगों का है और आशाओं का है, और वो कार्य वो भी कोई पैसा नहीं पड़ा है। और जो जो आशा बहन जी शिववती साहू हैं वो जो हैं जिलाध्यक्ष बन गई हैं, और हमारी रामधरी बहन जी जिलाध्यक्ष पहले की हैं, और वो जिलाध्यक्ष बनकर और जब चुनाव नहीं हुआ, आशाओं का कोई सहमति नहीं मिली उन्हें, तो उनका मतलब जो जिलाध्यक्ष वो कैसे बन गई हैं। और जिलाध्यक्ष बन के फिर आशाओं से ब्लॉकों में जाके मीटिंग करती हैं और मीटिंग करके उन्हें भड़काती हैं, हम तुम्हारा पैसा डलवा देंगे, लखनऊ चलना, दिल्ली चलना, और 50 रुपये दो, ये दो, वो दो। हमारा ये सभी आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि ये जिलाध्यक्ष बाजी इनका जो है निष्पक्ष मतलब फैसला किया जाए। मेरा नाम राम श्री गंगवार, आशा यूनियन जिलाध्यक्ष जिला बरेली। मामला सबसे पहले ये है कि हमारी आशा बहनें एक साल से इन बहनों को कुछ अस्पतालों में जैसे बहेड़ी अभी तक कोविड का कोई पैसा नहीं गया है, अन्य ब्लॉकों में भी नहीं पहुंचा है। और जो हमारी बहनें बहुत दिनों से कार्य तो कर रही हैं, सरकार हमसे कार्य तो ले रही है, मगर पैसे की बात क्यों नहीं कर रही हैं। जब भी हम आते हैं माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास तो हमें 10 दिन का 8 दिन का आगे को बता देते हैं कि आ जाएगा, और अभी भी हम आए हैं तो इन्होंने कहा था कि आपका बजट आ गया है, पैसे पहुंच जाएंगे, 2 हफ्ते बाद पहुंच जाएंगे। मगर सर जी, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे 2 हफ्ते बाद क्यों पहुंच जाएंगे जब पैसे आए हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने डाले तो हमारे पैसे भेजें आशाओं से, आशाओं का पैसा भेजते रहें और आशाओं से काम लेते रहें। काम करने को कोई बहन भी मना नहीं कर रही है, और आशा के बिना, संगिनी बहन के बिना कोई काम होगा नहीं, ये आप देख लीजिए। और दूसरी बात ये है, आज हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी के यहाँ आए हैं कि हमारी एक शिववती बहन जी बिना चुनाव के और बिना कार्य करे, बिना आशाओं के चुनाव के जिस जिलाध्यक्ष कैसे बन गई? हर ब्लॉक में जाती हैं और हर जगह स्पेशल एक मीटिंग करती हैं, बैठक करती हैं, 2-3 लोग जाके ये आशाओं के साथ में इतना धोखेबाजी कर रही हैं और फर्जी जिलाध्यक्ष बनकर पैसों की उगाही कर रही हैं। इसलिए मैं इस बात के लिए और कहने आई हूँ, और मुख्यमंत्री जी तक से मैं ये शिकायत करूँगी कि जब तक मुख्यमंत्री जी आपका विधायक बन के नहीं गया तो आप कैसे बने थे?
चुनाव होना चाहिए, चुनाव के बाद में जो बने तो इस बात के लिए बहुत अच्छा होगा। और मेरी जो आशा बहने और संगनी बहने जो आई हुई हैं सर जी, इनसे भी सुन लीजिए आप। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।